नमस्कार व्यूअर्स, मैं गौतम एडी वीटग्रास से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। वीडियो के शुरू में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका गार्डनिंग का स्कोर क्या है। जी हाँ, जैसे आपका अगर बच्चा पढ़ता है तो हम उसको देखते हैं मैथ्स में स्कोर कितना है, साइंस में उसका स्कोर कितना है, कितने परसेंट मार्क मिले हैं। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके गार्डनिंग की सक्सेस रेट क्या है, आपका गार्डनिंग का स्कोर क्या है, तो आप अपने आप को किस प्रकार का गार्डन मारते हैं? आप अपने आप को 100 में से 100 नंबर देंगे, आप अपने आप को 100 में से 80 देंगे, 75 देंगे, 50 देंगे, या आप सोचते हैं कि केवल जस्ट पासिंग मार्क लेगी आप गार्डनिंग कर रहे हैं 33% पे? आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये वीडियो किस बारे में, ये कैसा क्वेश्चन हुआ, ये कैसा सवाल है कि गौतम हमसे आज बात कर रहे हैं वीडियो में। तो मैं आपको बताता हूँ ये विचार मेरे दिमाग में आया कैसे। ये मैं पिछला जो कुछ महीने, ये जो गर्मी का हमारा ग्रोइंग सीजन था उसको देख रहा था। अब करीब करीब ये ग्रोइंग सीजन खत्म हो गया। आपने जो करेले, बैगन या भिंडी लगाई थी, उनमें धीरे धीरे जैसे जैसे रात का टेम्परेचर कम होगा तो उनका फूलों का कन्वर्शन वेजिटेबल में कम होता जाएगा, और जो सालाना पौधे थे जैसे करेला, लौकी, भिंडी, ये सब पौधे सूख जाएंगे सर्दियों जैसे ज़्यादा होंगी, और जो कुछ पौधे जैसे बैगन वगैरह जो एक साल से ज़्यादा चलते हैं वो भी थोड़े डोरमेंट हो जाएंगे, उनमें फल आएंगे लेकिन बहुत कम फल आएंगे क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम होगा और उनको फूलों का कन्वर्शन वेजिटेबल में होना बंद हो जाएगा। तो मैं पीछे मुड़ के देख रहा था कि साल हमारा कैसे बीता। जैसे अगर शुरू से आप मेरे चैनल को इस साल फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा हमने बताया कि हमारा जो पिछली सर्दी बीती उसमें हमने अपने गार्डन को बिल्कुल निग्लेक्ट किया हुआ था। हमने अदर देन एक रेगुलर वाटरिंग जो हम लोग अपने ड्रिप इरीगेशन सिस्टम की वजह से कर पाते थे, उसके अलावा हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया था। अभी ये जो आप बालकनी देख रहे हैं इसमें इतने ज़्यादा पौधे ग्रो कर गए हैं कि इसके अंदर में चलना मुश्किल है। दोनों साइड पे इसमें गमले हैं, लेकिन यही बालकनी जो मैंने एक वीडियो बनाया था जब हम अपने गार्डन को अरेंज कर रहे थे, अप्रैल का शायद महीना था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो उसमें बिल्कुल खाली थी। तो उस स्टेज से लेकर इस स्टेज तक ये सारी जो बालकनी बनी है इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। सारी मेहनत जो आप देख रहे हैं शशि जी की हुई है। सारा गार्डनिंग का जो मेहनत वाला काम है, जो भी पौधे के रख रखाव, उसमें पौधे लगाना, मिट्टी बनाना, आप देखते ही होंगे वो सारा काम शशि जी करती हैं। हैट्स ऑफ टू हर, उनकी मेहनत को। तो ये सारा जो आप चेंज देख रहे हैं अप्रैल से अब तक उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। तो ये जो वीडियो था इसमें आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो हमने काफ़ी सारे प्लांट लगाए, काफ़ी सारे काम किए, काफ़ी मेहनत की, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में हमें सफलता मिली, कुछ चीज़ें में हमारे साथ काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन काफ़ी चीज़ों में फेलियर भी हुआ। तो मेरा आज के वीडियो का जो मैसेज है यही है कि गार्डनिंग में आपका स्कोर जो है कभी 100% नहीं हो पाता है, और आप ये मत सोचिए कि आपका नहीं हो पाता है। इवन जो बड़े बड़े आप चैनल देखते हैं उनसे भी अगर आप डीपली बात करेंगे, पूछेंगे, तो वो लोग भी कहेंगे कि हाँ सक्सेस रेट करीब 50 से कहीं 70% के बीच में रहता है, इसके बावजूद कि वो पूरी नॉलेज रखते हैं, पूरी अच्छी तरह से गार्डनिंग करने की कोशिश करते हैं, तब भी 100% किसी का नहीं होता है। तो अगर आपके कोई पौधे में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी में कोई इंसेक्ट लग जाते हैं, कोई पौधा नेचर से फाइट करते हुए ठीक से नहीं पनप पाता है, उसमें अच्छे फल फूल नहीं आते हैं, तो उसमें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवन अच्छे से अच्छे गार्डनिंग को भी 100% सक्सेस नहीं मिलती है। यहाँ पे मुझे भगवान श्री कृष्ण का गीता में कहा हुआ एक श्लोक याद आ रहा है कि आप कर्म करते रहें और फल की चिंता ना करें। ये चीज़ गार्डनिंग में भी बहुत एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर हमें अपना जो गार्डनिंग प्रैक्टिसेस है उसको करते रहना है, उनको सही तरीके से करना है, सही मिट्टी तैयार करनी है, सही खाद डालनी है, सही बीज लगाने हैं, सही वातावरण देना है पौधों को उगने के लिए, बाकी फिर हमें नेचर पे छोड़ देना है। आपको किसी में सक्सेस मिलेगी किसी में नहीं मिलेगी, वो सारा पार्ट ऑफ द गेम है। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो केवल फल और फूल जो सब्जियां पाते हैं वही अकेला बेनिफिट नहीं है गार्डनिंग करने का, बाकी जो इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट है जैसे आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके स्ट्रेस को ये कम करता है, आपको कोई मानसिक तनाव, आप गार्डनिंग करें तो देखिए कुछ समय आपका मानसिक तनाव जो है वो खत्म होता है। तो ये सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो आपको गार्डनिंग में मिलते हैं। तो गार्डनिंग इज नॉट ओनली अबाउट कि आपको कितने फल मिले, कितने फूल मिले, या आपका फूल जो है पड़ोसी के फूल से बड़ा या छोटा हो गया, इसके बारे में नहीं है। गार्डनिंग के पूरे प्रोसेस है जो आपकी लाइफ को पहले से बेहतर बनाता है। तो आप गार्डनिंग करते रहिए और अपनी सक्सेस को कभी भी जो है कुछ फूल, कुछ फल और कुछ सब्जियों में ना आके। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूँ। वीडियो का टॉपिक था क्या गर्मी में उगने वाली सब्जियों का एंड ऑफ द सीजन आ गया, क्या उनका अंत होने वाला। जी हाँ, अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी तो ये कुछ जो पौधे एनुअल वाले जैसे मैंने बताया वो सूख जाएंगे, और जो कुछ एक साल से ज़्यादा चलने वाले पौधे हैं जैसे बैगन, वे सब भी आपके एरिया के तापमान के अनुसार या तो बिल्कुल ही बैगन देना बंद कर देंगे या बहुत कम मात्रा में बैगन देंगे। तो ये समय है आपका आगे का प्लान करने का। अगर आपने सर्दियों में उगने वाली जो सब्जियाँ हैं वो नहीं लगाई हैं, जैसे गाजर, मूली हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया, तो इनको आप प्लान कर सकते हैं, इनको लगाना शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो वेजिटेबल की सप्लाई है आपके किचन गार्डन के लिए वो बंद ना हो।
ये सारी सब्जियों के जो नाम मैंने अभी लिए हैं, सारे सब्जियों के अच्छी क्वालिटी के बीज मेरी वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। ये बहुत ही सस्ते दाम पे पैकेट हमने रखे हुए 20 रुपये या 25 रुपये के, तो सारी चीज़ें आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी खाद या ग्रो बैग्स, अगर आपके पास गमले नहीं तो ग्रो बैग मंगा के आप अपने यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लगा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं गौतम अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरा और शशिका, आप सबको नमस्कार।